इट्स मी श्रुति मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो होने वाला है एक रिव्यू वीडियो और आज मैं शेयर करूंगी अपना रिव्यू जो कि है रूप मंत्रा नीम एंड तुलसी आयुर्वेदिक केयर सोप के बारे में। एंड गाइस ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस 100 ग्राम का सोप, इसका प्राइस 28 रुपीज़ और शेल्फ लाइफ इसकी 3 ईयर्स की है। 3 ईयर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ये आपको 24-25 रुपीज़ का ही पड़ेगा या इससे भी कम पड़ जाएगा, तो आप डिस्काउंट चेक कर सकते हैं। अगर पैकेजिंग की बात करें गाइस तो ये इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकिंग में आता है। पैकिंग में सारी प्रोडक्ट की डिटेल मेंशन की गई है और अंदर सोप कुछ इस तरीके का है, डार्क ग्रीन कलर का सोप है और स्मेल ठीक है, अच्छी सी है, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे थोड़ी सी हार्ड लगी। वेरिएंट की बात करें गाइस तो रूप मंत्रा के काफ़ी सारे वेरिएंट अवेलेबल हैं मार्केट में, अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने सोप लॉन्च किए हैं जो कि डिफरेंट स्किन वाले डिफरेंट तरीके के सोप आते हैं। इंग्रीडियंट्स की तो गाइस इसमें बस थोड़े से इंग्रीडियंट मेंशन किए गए हैं, पूरे मुझे नहीं लगता कंप्लीट मेंशन किए गए हैं और इसमें कोई भी केमिकल नहीं बताया गया है, बस इसमें सारे हर्बल इंग्रीडियंट्स हैं तो ये मुझे लगता है पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है। क्लेम की बात करें गाइस तो ये कुछ भी ऐसा क्लेम मुझे नहीं लगता करता है, बस लिखा है प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम ब्लेमिशेस एंड बॉयल्स रिफ्लाई स्किन टेक्सचर, मतलब कि ब्लेमिशेस से प्रोटेक्ट करेगा और ये जो स्किन में दाने हो जाते हैं गर्मी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, बॉडी हीट की वजह से, तो ये उसको कंट्रोल करता है जो कि ये प्रोडक्ट क्लेम करता है। इसमें मिक्स किया गया है नीम एंड तुलसी जो कि एक एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स हैं दोनों ही, और आपके स्किन के इन्फेक्शन को और जो अलग तरीके के पिंपल्स हैं दाने हो गए हैं नीम और तुलसी दोनों ही प्रोटेक्ट करता है, तो दोनों इसमें मिक्स किया गया है। सो ये सोप मुझे लगता है स्पेशली बॉडी के इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा अच्छे से काम करेगा क्योंकि अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो नीम सोप ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। एंड इसमें गंगा जल से समृद्ध है, मतलब कि इसमें गंगा जल भी मिक्स किया गया है। बात करें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की तो गाइस इस सोप को मैंने एक बार यूज़ किया है और उसके मैंने बहुत सारे वेरिएंट ट्राई किए हैं। ये सोप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ये अच्छे से लेदर क्रिएट करता है, बॉडी को क्लीन करता है, बॉडी में अगर आपकी कोई माइनर से इन्फेक्शन है तो ये कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें नीम मिक्स किया गया है। आप ज़्यादा पिंपल कंट्रोल नहीं सोच एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपके पिंपल्स को कंट्रोल करेगा, बट अगर माइनर से इन्फेक्शन है तो ये ज़रूर कंट्रोल कर लेगा। और स्किन में कोई वाइटनेस उस तरीके का ये क्लेम भी नहीं करता, उस तरीके का देता भी नहीं है और ब्लेमिशेस में मुझे नहीं लगता ये उस तरीके से कुछ काम करता है। बट अफोर्डेबल प्राइस का नीम और तुलसी सोप है जो कि कोई भी ट्राई कर सकता है क्योंकि बहुत इसका रेंज जो प्राइस रेंज है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और इजिली अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप कहीं भी मेडिकल स्टोर्स में भी चेक कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। इसकी रूप मंत्रा की फेयरनेस क्रीम आती है जो कि बहुत अच्छे से वर्क करती है। रिव्यू वीडियो मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है, उसका लिंक आपको स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें मैंने बताया उसको किस तरीके से यूज़ करना है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। रिकमेंड करने की बात करें गाइस तो ये मैं सोप हाईली रिकमेंड करूँगी सबको जिनको एक नीम एंड तुलसी सोप आयुर्वेदिक सोप ट्राई करना है जिसमें SLS ना हो, पैराबेन नहीं हो, तो डेफिनेटली सोप को ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड ये था मेरा छोटा सा रिव्यू रूप मंत्रा नीम एंड तुलसी सोप के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जस्ट बगल में लगा बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करूँगी, सबकी हेल्प करूँगी एज सून एज पॉसिबल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।